हस्बैंड से क्या शिकायत करूं, कितना इतना आसान नहीं है जितना दिखता है उतना आसान। फयाज से मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकती अभी, अब नहीं बनाऊंगी वीडियो, बस मत देखो मेरी वीडियो, कोई बात नहीं अब नहीं बनाऊंगी वीडियो, बस ये लास्ट वीडियो समझ लीजिए आप मेरी। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली, तो कैसे हो आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो चले व्लॉग शूट नहीं किया आज दिन भर से, रात के 9 बजे कोई व्लॉग शूट नहीं किया, और बड़ी मुश्किल के बाद अभी सुबह से परेशान हूँ, बहुत परेशान, और अभी वीडियो बनाने बैठी हूँ आप लोगों के साथ, इतनी परेशान हूँ कि सोचती रहती हूँ तो ना बस ऐसा ही है ना मेरे, जब मैं परेशान होती हूँ तो रोती रहती हूँ तो ऐसा ही है मेरा। सोच रहे हैं आप मदीना आपा को क्या हो गया, बहुत परेशान हूँ खुद को लेके, खुद की ज़िंदगी को लेके, खुद की लाइफ को, खुद की फ्यूचर को सोच सोच के। बस हम लेडीज़ लोगों का ऐसी होता है, मेरा ही नहीं सभी का ऐसी है, जब हम रात में सोते भी हैं ना बिस्तर पे तो एक घंटा तो हम लोग सोचते रहते हैं खुद के बारे में, बच्चों के बारे में, हमारा फ्यूचर, हर चीज़ ऐसी है लेडीज़ लोग का। मेरा भी अभी ऐसे कुछ चल रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि अभी चैनल पे थोड़ा चैनल डाउन हो गया है, कोई मसला नहीं, थोड़ी व्यू गिर गई है, कोई मसला नहीं पकड़ लेगी। परेशान मैं खुद से हूँ, मैं किसी से क्या शिकायत करूँ यार, मैं किसी से क्या शिकायत करूँ, जब मैं खुद से शिकायत है मेरी, क्या व्लॉग बनाऊँ, बस क्या शूट करूँ, क्या व्लॉग बनाऊँ, वही दिन भर किचन दिखाऊँ, कपड़े बर्तन ये वो, बस यही शायद लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, इसलिए शायद चैनल डाउन हो गया है, शायद लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, लोग देखना चाहते हैं बाहर का, मैं नहीं दिखा सकती बाहर का, रोज़ का शूट नहीं ला सकती कि मार्केट जा रही हूँ बच्चों के लिए ये बच्चों के लिए वो, मैं नहीं दिखा सकती बिकॉज मेरी कंडीशन ही वैसी नहीं है। एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपके भाईजन थोड़ी सी इसमें मेरा साथ दे, बट वो भी नहीं कर सकते, वो बोलते कि मुझसे नहीं होता बाहर, घर में जो है मैं बात कर लेता हूँ, कैमरे को मैं घर में फेस कर सकता हूँ बट बाहर नहीं, उनका ऐसा रहता है। तो किससे शिकायत करूँ मैं, हस्बैंड से, खुद से, आप लोग से, या मेरे अल्लाह से, किससे शिकायत करूँ, पता नहीं, यही बस सोच सोच के आज व्लॉग शूट नहीं किया मैंने सुबह से भी, मैंने क्या शूट करूँ यार, वही डेली रूटीन, खाना, किचन, ये वो, नहीं हुआ दिल, नहीं हुआ, मैंने नहीं बनाया आज व्लॉग, बस लोगों को देखती हूँ, नॉर्मल लोग व्लॉगिंग करते रोड पे कैमरास देखे, बहुत दिल दुखता है कि काश मेरी भी वैसी कंडीशन होती तो मैं भी रोड पे घूम के इधर उधर जाके मार्केटिंग करके शॉपिंग करके खुद से बच्चों को लेके जाके मैं करके ला लेती सब कुछ शूट करके लाती, मैं घूम के ब्लॉगिंग करती, चैनल तो फिर मेरा, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है मेरे अंदर, टैलेंट बहुत है, अल्लाह ने दिया है टैलेंट मेरे अंदर, मुझे यकीन है कि मैं कर लेती, बट नहीं कर सकती है, आप लोगों को पता है मैं नहीं कर सकती बाहर जाके ब्लॉगिंग, दुखता है दिल देख के जब लोगों को देखती हूँ ना ब्लॉगिंग करते हुए, मेरा भी दिल होता है ऐसा कि मैं भी ऐसी ब्लॉगिंग करूं, बट नहीं कर सकती मैं, क्या करूं, मेरा वैसा है नहीं। फिर सोच दी क्या, नहीं मदीना तू बैठ के भी, मैं खुद से बोलती हूँ कि तू बैठ के भी बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करती है, फिर सोचती कि शायद मुझे अच्छी लगती ना, लोगों को नहीं अच्छी लग रही इसलिए चैनल डाउन हो रहा है, शायद के चैनल गिर रहा है, कोई बात नहीं यार, चैनल देखिए
चैनल का तो आज गिर गया कल चढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है ना, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। पर शिकायत तो खुद ही से ना कि मतलब अल्लाह ने टैलेंट तो दे दिया बट कर नहीं पा रही हूँ, हस्बैंड से क्या शिकायत करूँ, कितना करूँ। बोलती हूँ उनको बाहर से तुम शूट करके लाओ, मैं घर का कितना करूँगी, आप बाहर जब जाते हो बाजार लेने के लिए कुछ लेने के लिए शूट करके लाओ। वो बोलते मैं रोड पे कैमरा फेस नहीं कर सकता, मेरी बच्ची माँ ही को भेजती हूँ, माँ ही कुछ शूट करके लाती हूँ तो मैं वो ऐड कर लेती हूँ, बाकी मैं घर का क्या दिखाऊँ क्या दिखाऊँ। अब नहीं होता यार, बस बहुत मेहनत करती हूँ मैं, बहुत मैं नहीं, जितने भी ब्लॉगर है ना, मैं जानती हूँ जितने भी ब्लॉगिंग चैनल है ना, ब्लॉगरों की बहुत मेहनत होती है, सच बोलती हूँ। जितना रेसिपीज पे और रिएक्शन चैनल पे मेहनत नहीं होती है ना, उतना ब्लॉगिंग पे मेहनत होती है जो डेली रूटीन डालते हैं, क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक दिखाना होता है और उस पर मेहनत बहुत होती है, बैक टू बैक वीडियोज़ होती है। और आप लोग को पता है मेरी वीडियोज़ भी लंबी होती है, कम से कम 19-20 मिनट, कभी 22 मिनट, या फिर कभी फंक्शन हो तो वो तो बहुत लंबी हो जाती है, 24 मिनट भी हो जाती है। जैसे कि मैंने, आप लोग ने देखा था कि मैंने कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट भी लगाया था आप लोगों की, वोटिंग चाहिए था मुझे कि आप लोगों को कितने मिनट का व्लॉग चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कहा कि 24 मिनट का व्लॉग चाहिए उन लोगों को, मेरा कहाँ से लाऊँ 24 मिनट का व्लॉग, घर का ही कितना दिखाऊँ कितना दिखाऊँ, थक गई हूँ अभी। हिम्मत नहीं आ रही हूँ, बस अफसोस होता है कि अल्लाह ने टैलेंट तो दिया है बट हो नहीं पा रहा है मेरे से। कर रही हूँ मेहनत, 20-22 मिनट 24 मिनट की वीडियोस को एडिट करना इट इज नॉट इजी। 1 मिनट की 2 मिनट की वीडियो एडिट करने में ना और 22-24 मिनट की वीडियोस में क्या होता होगा आप सोचें। वीडियो को एडिट करना, थंबनेल के पीछे 1 घंटा 1.5 घंटा, तो उसके बाद में इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे अपडेट दो, स्टोरीज लगाओ, पोस्ट लगाओ, उधर की रील्स के पीछे ध्यान दो, बहुत चीज़ें करती हूँ जो नहीं होता है। हूँ परेशान बट नहीं हो रहा है बस। अब मैंने आज ही बस सुबह से बस इसी परेशानी में मैंने बहुत सोच समझ के अभी मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ कि अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, बस अब नहीं होगा मेरे से। मैं ये डेली रूटीन घर का नहीं दिखा सकती, दिखा सकती हूँ ऐसे नहीं कि ये नहीं दिखा सकती, बट बैठ के कितना दिखाओ यार, बैठ के कैमरा लेके अरे घर में चक्कर काटना इट नॉट इजी यार, इतना इजी नहीं है जितना कि लोगों को कैमरे पे दिख जाता है। 20-25 मिनट की वीडियो चालू करते और दिख जाता, बट वो 20-25 मिनट की वीडियो में मैं शूट कैसे करती हूँ, पूरे घर में बैठ के मैं शूट करती हूँ, इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, उतना आसान नहीं है। बट अभी करके भी क्या फ़ायदा हो रहा है, मतलब इतनी मेहनत कर रही हूँ क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। यकीन होगा, ये नहीं कि मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ यार, बस अभी सोच रही हूँ कि बस हो गया यार, कितना घर का दिखाऊंगी। फयाज से मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकती अभी, क्योंकि फयाज को मैं चैनल पे आके मुझे कम से कम 14 महीने हो गए, 1 साल के ऊपर हो गया, फयाज अभी भी नहीं सीख पाए, मैं उनको बता के थक चुकी हूँ, लेकिन वो अभी भी नहीं सीख पाए। वो अभी भी बोलते मैं फेस कैमरे को फेस नहीं कर सकता बाहर जाके, तो कुछ नहीं होगा फिर, जब तक कि वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। मैं घर में कितना करूँगी और मैं कितना डालूँगी, थक चुकी हूँ, अब नहीं बनाऊँगी वीडियो, बस कल से भी अपने घर का देख लूँगी, किचन अपना घर यही सब। आप लोग भी जाए रिएक्शन चैनल देखे,
और जो खड़े रखे ब्लॉगिंग करते हैं ना, टूर्स दिखाते हैं, वो देखें, एंजॉय करें। क्या मेरी घिसी पिटी स्टोरी, आप लोग मेरी घिसी पिटी वीडियोस देखते हो, क्या रहता है मेरी वीडियो में? कुछ नहीं रहता है। आप लोग भी जाएं मत देखो मेरी वीडियो, कोई बात नहीं, बट मेरे से नहीं होता, बस अब नहीं बनाऊंगी वीडियो, बस ये लास्ट वीडियो समझ लीजिए आप मेरी, अब नहीं बनाऊंगी वीडियो, बहुत थक के मैं बोल रही हूँ, अब वीडियो नहीं बनाऊंगी।